सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका गीक एडिटर में। सो आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुके हैं। जो तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाली इमेज ले लेनी है एंड ये वाली। इसको उठा के हम अपने यहाँ पे लेके आ जाएंगे। देन इसको हमें एडजस्ट करना है। देन अब हमें दूसरी इमेज लेनी है। देन इस वाले लेयर पे आके हमें लेयर मास्क लगाता है। लेयर मास्क लगा के आप यहाँ पे आइए। देन ब्रश टूल लीजिए। आपका जो ये फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक रहना चाहिए। देन आपको ये तो इरेज करना है। देन इतना होने के बाद आपको इसके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में जाना है। इसको कर देना है हमें 150। देन अब हमें इसमें जाना है। इसका भी हमें कर देना है कुछ इस प्रकार से। देन इतना होने के बाद अब हमें ये ले लेना है। इसको ड्रैग करके आप यहाँ ले आइए। देन आप इसको रेस्ट्रे ले कर दीजिएगा। देन हमें जितना ज़रूरत है उस हिसाब से हम इसको ले लेंगे। तो इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है कंट्रोल जे। देन ये वाला हिसाब डिलीट कर सकते हैं। देन इतना करने के बाद इसको ड्रैग करके आप नीचे ले आइए। थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए इसको। देन इतना होने के बाद अब हमें लेना है ये दोनों इमेजेस। इसको ड्रैग करके आपको ले आना है यहाँ पे। देन मार्केट लीजिए। देन इसको आप इतना काट लीजिए। देन मूव टूल ड्रैग करके आपको यहाँ ले आना है। देन आपको कंट्रोल टी करके एडजस्ट करना है। ये आप कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। कंट्रोल क्लिक करके रखिए। देन आपको ये एडजस्ट करना है। देन अब इसकी ओपेसिटी बढ़ा दीजिए। देन एंटर। इतना करने के बाद आप दूसरी इमेज ले लीजिए।
इसको भी इसी प्रकार से ही करना है। मूव टूल ड्रा करके आपको यहाँ ले आना है, देन आपको एडजस्ट करना है जैसे ये वाला किया था वैसे ही आपको ये वाला भी एडजस्ट करना है। देन इतना होने के बाद जो आपके ये थोड़े बहुत बाहर आ रहे होंगे उसके लिए हमें क्या करना है, इसको कर देना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क ताकि वो इस बेस के अंदर अंदर ही रहे। तो देख सकते हैं जो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। देन इतना करने के बाद आपको अब यहाँ पे वाटर लाना है, सो इसको आपको ट्रैक करके ले आना है। देन अगेन मार्क्यू टूल, देन मूव टूल लीजिए, देन इसको ट्रैक करके आपको यहाँ ले आना है। सो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा। अब हमें वाटर को वाटर में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी। इमेज में जाइए, देन यू सैचुरेशन, देन इसको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग कलर करना है जो मैच हो जाए। ये बेहतर रहेगा। देन अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये वाली इमेज ले लेनी है, इसको ड्रैग करके आपको यहाँ पे ले आना है। देन हमें खाली यही हिस्सा चाहिए, सो मार्केट टूल से हम इसको सिलेक्ट करके हम ले लेंगे। कंट्रोल टी, देन इसको हमें एडजस्ट करना है। सो देख सकते हैं आप। देन अगेन आप इसकी कॉपी ले लीजिए, देन इसको फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, देन आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। देन एंटर। इतना करने के बाद आपको इन दोनों को क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देना है। देन आपको इन दोनों में ही लेयर मास्क लगाना है। लेयर मास्क लगा के आपको ब्रश टूल लेना है, देन आपको इनको थोड़ा सा ये आपको इरेज करना है।
वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। देन अब आपको क्या करना है, इन दोनों लेयर्स की जो हमारे हैं इनकी हमें कॉपी ले लेनी है कंट्रोल जे से। देन आपको क्या करना है, इनको ले आना है ड्रैग करके सबसे ऊपर। देन एक एक करके आपको पहले इसको वर्टिकल कर दीजिए, देन रोटेट कीजिए कुछ इस तरीके से। देन इतना करने के बाद दूसरा भी आपको सेम ऐसे ही करना है वर्टिकल, देन थोड़ा सा रोटेट कीजिए। देन इतना करने के बाद आपको ये मार्की टूल लेना है, सॉरी ब्रश टूल, इनको लेयर मास्क लगा दीजिए इन दोनों में। देन इन दोनों को ड्रैग करके सबसे पहले नीचे ले आइए, देन अब आपको करना है ब्रश टूल से। देन ब्रश टूल लीजिए, एक न्यू लेयर लीजिए, देन उसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल से कर देना है आपको सॉफ्ट लाइट। देन आपको ओपेसिटी एंड फ्लो थोड़ी सी कम रखनी है। देन इतना करने के बाद आपको ये बोट वाली इमेज लेनी है, देन इसको आपको सिलेक्ट करना है। देन ये बोट को कट करने के बाद देन आप इसको यहाँ रख दीजिए। देन आपको इसको ड्रैग करके यहाँ ले आना है, देन इसको आपको एडजस्ट करना है, देन कंट्रोल यू। देन इतना होने के बाद आपकी जो ये है वो रेडी हो चुका है। देन आपको करना है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, देन फिल्टर, कैमरा रो फिल्टर। देन आपको जाना है बेसिक में, देन आपको कुछ इस प्रकार से ये करना है। देन कलर मिक्सचर, देन इतना होने के बाद आप कर दीजिए इसको ओके। सो देख सकते हैं बहुत फर्क पर चला है। सो ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और
लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए हम नई नई वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।